अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर मिस गुलशन फ्रॉम रियल स्कॉलर स्कूल कैंपस 3. आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये आपका चैप्टर हेल्पफुल नेबर डिस्कस कर चुके हैं. ये आपका चैप्टर नंबर 1 है. इसकी हमने रीडिंग कर ली थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है. आज हम इस एक्सरसाइज को चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपने ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसके आपने आंसर्स करने हैं. हु आर नेबर्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया गया, नेबर्स होते क्या हैं. सो आपको याद होगा, आपने लेक्चर में अच्छे से ये पढ़ा था कि नेबर्स उन पीपल्स को कहते हैं हु लिव नियर अस, जो हमारे करीब करीब रहते हों, ठीक है. और नेबर्स ज़्यादातर फ्रेंडली होते हैं और केयरिंग होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेयर मस्ट वी थ्रो द गार्बेज. तो हमने गार्बेज कहाँ फेंकना है, ज़्यादातर हमें कहाँ फेंकना चाहिए हमेशा गार्बेज. तो गार्बेज मस्ट बी थ्रोन इन द लिटर बिन, राइट. हमें लिटर बिन में या स्किप्स में, मतलब ये जो डस्टबिन होती है, इसमें हमें जो है गार्बेज फेंकना चाहिए. या फिर वो जो एक कूड़ादान की जगह होती है वहाँ पे फेंकना चाहिए, जगह जगह पे, ये गली में ही अपने नेबर्स के सामने नहीं फेंकना चाहिए. व्हाट इज़ नेबरहुड, आपको याद है कि जो आपका जो नेबरहुड है ये क्या था. उस प्लेस को कहते हैं जहाँ आपके वो एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ आप और आपके नेबर्स रहते हों, ठीक है, जिसका नेबरहुड. हाउ कैन वी मेक आवर नेबरहुड ब्यूटीफुल, हम अपने नेबरहुड को ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं. आपने ये डिटेल में पढ़ा था ना लेक्चर में. तो वी मस्ट ग्रो ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्रीज और प्लांट्स को ग्रो करके हम अपना नेबरहुड जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ डू यू हेल्प योर नेबर्स, हम अपने नेबर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो कैसे कर सकते हैं, वी लुक आफ्टर देम, यस. जब वो अनवेल हों तो हम उनको लुक आफ्टर करें. हाँ, जब वो अपनी मतलब जो वो प्रॉब्लम्स जो शेयर कर रहे हों, ठीक है. अब जैसे आपके कोई नेबर में आके आपके साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो डजंट मीन कि आप आगे पीछे बस ठीक है हाँ जी ऐसे करते रहें और उनको ध्यान ना हो. तो उनको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, बाई शोइंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ताकि उसको भी पता चले कि हाँ जी मैं अपने अच्छे बंदे को जो है मैं अपने नेबर को अपनी प्रॉब्लम जो है बता रहा हूँ. एंड वी शेयर देयर हैप्पीनेस एंड लैंड दैम आवर थिंग्स वैन दे नीड दैम, हम उनको अपनी चीज़ें भी दें जब उनको उनकी ज़रूरत हो, ठीक है, और उनकी जो है वो हैप्पीनेस में भी शरीक होना चाहिए. ये आपके 5 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, अब आप में ये आपस में मैच मतलब करने हैं. वी मस्ट क्लियर आवर नेबरहुड आफ्टर हैविंग अ लार्ज फंक्शन, ज़ाहिर है आफ्टर हैविंग अ लार्ज फंक्शन, एक बड़े फंक्शन के पास वहाँ पर अच्छा खासा मतलब कचरा वगैरह तो हो गया होगा, तो इसलिए हमें नेबरहुड को साफ रखना चाहिए. वो मस्ट ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली वेन क्रॉसिंग द नेबरहुड, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से जो नेबरहुड क्रॉस करना चाहिए. वो मस्ट नॉट डर्टी द वॉल्स बाय राइटिंग ऑन देम, द वॉल्स कब डर्टी होंगी, जब हम फिर लिखेंगे, ठीक है. सो ये आपने मैच करना है, मतलब सेंटेंस इसका कम्प्लीट करना है. वो मस्ट नॉट ब्लो द हॉर्न इन द स्ट्रीट बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब अवर नेबर्स, तो हमें क्यों नहीं हॉर्न बजाना चाहिए स्ट्रीट में खड़े होकर, क्योंकि वो हमारे नेबर्स को डिस्टर्ब कर सकता है. कार्स शुड बी पार्कड इन द प्रॉपर एरिया सो वी डू नॉट स्पॉयल अवर नेबर स्पेस, तो हमें अपने नेबर्स की स्पेस को स्पॉयल नहीं करना चाहिए, उस पर कब्जा नहीं करना चाहिए. ओके क्लास, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये एक पिक्चर दी गई है, ठीक है. यहाँ पर जो है बताया गया भी एक जो गुड नेबर होते हैं वो तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये बूढ़ी आंटी है, तो ये झाड़ू लगा रही है, ये सफाई कर रही है, लेकिन इनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा. ये अंकल इतनी मुश्किल से, ये देखो ना, ये बूढ़े अंकल है ना, ये ऐसे कितनी मुश्किल से सामान पकड़ कर के जा रहे हैं, जबकि ये इनके नेबर्स जो हैं वो वैसे ही साथ चल रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो जो है इनके से सामान ले लें या ऐसी चीज़ें ले लें. तो ठीक है, आपके ठीक है पॉइंट्स बन जाते हैं. फिर नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट में ये घर के सामने क्रिकेट खेलना शुरू हो गया, तो ये भी अपने नेबरहुड को ख़राब कर रहे हैं, ऐसा ही है ना. फिर यहाँ पर देखें, ये आउटडोर पार्टी चल रही है, जबकि ये अंकल जो है ये मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि ये बीमार है ना, तो बीमार लोगों को तो पार्टीज अच्छी नहीं लगती हैं. तो यहाँ पर ये आउटडोर पार्टीज कर रहे हैं और फंक्शनिंग कर रहे हैं, हालांकि ये इंडोर इनको करना चाहिए था, अगर फंक्शन करना था तो इंडोर फंक्शन करते ताकि इनके नेबर्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना होते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया. इन्होंने
पार्टी जो है वो आउटडोर रखी हुई है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने इसमें पिक्चर में बताने थे कि हम इनकी हेल्प किससे किससे कर सकते हैं। तो अगर हम होते तो हम क्या करते हैं, अंकल से मतलब ये सामान लेके इनकी हेल्प हो सकती है, इंडोर पार्टीज करके हेल्प हो सकती है, इसी तरीके से आंटी की हेल्प करके मतलब पार्टी मतलब ये जो आपका सॉरी ये जो आपकी मतलब बताया गया ना नेबरहुड की हेल्प कैसे कर सकते हैं, नेबर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पॉजिटिव वे में आते हैं कि हम इस तरीके से नेबर्स की हेल्प कर सकते हैं। आपने इस क्वेश्चन में बस यही बताना था। ओके क्लियर। ओके क्लास, ये अपना कॉपी वर्क एंड बुक वर्क कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। ओके अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।